सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या केस में महाराष्ट्र के जो कैबिनेट मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने अपनी सफाई दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी ज्वेलर में। हूँ नंदिनी। आदित्य ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुपुत्र हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उन्होंने अपनी सफाई में कहा है। इतने दिनों के बाद आज उन्होंने बोला है कि मुझे इस कीचड़ में ना घसीटा जाए और सड़क छाप राजनीति बंद हो जाए, कर देनी चाहिए और राजनीति सड़क छाप राजनीति मत करो। और मैं बाला साहब ठाकरे का नाती हूँ और शिवसेना का और बाला साहब का नाम खराब नहीं करूँगा। बिल्कुल आपने बात सही कही, बिल्कुल नाम पे धब्बा नहीं लगना चाहिए। लेकिन आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जब पूरा देश सीबीआई की मांग कर रहा है तो क्यों नहीं आप इस एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते आप पूरी जनता का साथ क्यों नहीं देते? आपके पापा किस बात से डर रहे हैं? कोई तो डर उनको होगा जो बार बार यही कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस पे भरोसा करो और आपने भी यही कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस पे भरोसा करो। क्यों? महाराष्ट्र पुलिस ने तो 2 दिन में आत्महत्या का केस करके रफा दफा कर दिया था सर इसमें, और इसमें साफ साफ लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जी का कहीं ना कहीं कोई अपना ही इसके चपेट में आने वाला है, तभी वो इतना डर रहे हैं। नहीं तो सांस को आँच नहीं, सीधे सीबीआई के हवाले क्यों नहीं केस को कर रहे हैं? और क्यों बिहार पुलिस के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है महाराष्ट्र की पुलिस के साथ के द्वारा? आपने इस बात को का ध्यान दिया है? नहीं। जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करो और गंदी राजनीति आप बंद करो, गंदी राजनीति करना आप बंद करो। जिस तरह से आप खेलते हो यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ होता है बॉलीवुड में, आप भी बॉलीवुड का ही हिस्सा हो। नाम आपके पॉलिटिक्स में, आप भी बॉलीवुड का ही हिस्सा हो, क्योंकि बॉलीवुड में यही होता है, किसी का करियर खराब कर दिया, किसी को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया तो किसी की हत्या कर दी और फिर उसको हत्या करके आत्महत्या का एंगल दे दिया जाता है और आत्महत्या को डिप्रेशन का एंगल दे दिया जाता है। बहुत राज ऐसे हैं बॉलीवुड में जिसमें राजनीति और बॉलीवुड वाले बराबर के भागीदार होते हैं। अगर आप इस देश का हित चाहते, अगर आप सच में कहते हो, तब तो आपने चुनाव लड़ा था, मराठा मानुष का साथ देंगे, देश के लिए चुनाव के लिए काम करेंगे, यही काम करोगे आप? सच तो एक दिन सामने आना ही है, कितना छुपोगे? ये पहले का टाइम नहीं है, ये आज का टाइम है। लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक सीबीआई के हवाले ये केस नहीं होगा। सबने गृह मंत्री अमित शाह जी के पास अपील भेजी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अपील भेजी है और जरूर वो इस अपील को सुनेंगे और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में जनता तब तक पीछे नहीं हटेगी। आप कितनी भी घिनौनी और गंदी राजनीति कर लो, और एक बात तो तय है, उद्धव ठाकरे जी जिस भी इंसान को बचा रहे हैं वो उनका खास अपना ही है, जितने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हो मेरा नाम न घसीटे जाए, लेकिन कोई तो उनका ऐसा है जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हमें लग रहा था कि राजनीतिक दबाव है या माफिया इसके पीछे है, लेकिन अब ऐसा, और लोग बहुत पहले ही समझ गए थे कि ये कोई ऐसा अंगल जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे इतना डर रहे हैं और कोई वजह नहीं है, ये बहुत पहले समझ में आ गया था। नहीं तो उन्हें क्या क्या फर्क पड़ता है कि जब मुंबई पुलिस नहीं हल कर पा रही है तो इस केस को क्यों नहीं सीबीआई के हवाले कर दिया जाए? अगर आप सच्चे हो, आप अगर ईमानदार हो तो छोड़ दो इसको सीबीआई पे, स्वतंत्र जांच हो जाने दो उसको, किसी के बच्चे को इंसाफ मिलेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सच कभी छुपने से नहीं छुपता और सच सामने आएगा, सच कभी नहीं छुपता। आज का जमाना वो नहीं है कि हम भगवान के भरोसे बैठे कि भगवान जी कब करें, भगवान के इंसाफ पे कोई वो नहीं है सच सम्मेलन, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन हमें इस सोशल नेटवर्किंग के ज़माने में जहाँ जनता एकजुट हो जाती है वहाँ इंसाफ बहुत जल्दी मिलता है और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। आप लोग जितनी भी कोशिश कर लो, और अगर ईमानदारी है, अभी ईमानदारी है, मानवता है, गिरेवान में झांक के देखो,
सच को सामने आ जाने दो। अगर आप निर्दोष हो तो आपको कोई जबरदस्ती फांसी पे नहीं लटका। अगर आप दोषी हो तो आप किसी भी हालत में नहीं बच सकते, चाहे उद्धव ठाकरे उनके उनका कोई करीबी हो, चाहे वो खुद हो, चाहे उनका बेटा हो।